water test of MIP and FO. Working. तो गाइस बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी और मैं कुछ प्लान कर सोच रहा हूँ गुजरात जाके आऊँ और मतलब सो कॉल्ड आंटी हम लोग फुप्पी बोलते हैं उसको, वो कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रही है, कहीं अच्छी जगह जा रही है, तो उनको मिलना ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट. देखेंगे, नवसारी नाम है वो सिटी का और नवसारी अच्छा ही. सोचता हूँ एक कैमरा ले लो, क्योंकि कैमरे में ना जो इफेक्ट आते हैं वो कोई और चीज़ में नहीं आते. मोबाइल में भी आते हैं पर वो मज़ा नहीं जो कैमरे में आते हैं. सो मैं सोच रहा हूँ DSLR लूँ या सोनी का जो कैमरा है वो भी मेरे को कुछ पसंद आया था. सो देखते हैं DSLR कैनन का लूँ या सोनी का लूँ, क्या पता, पर मुझे कैमरे में ज़्यादा इंटरेस्ट है. कैनन या सोनी वो डिसाइड हुआ था, पर मैं आ गया सोनी पे. सोनी का जो परफेक्ट व्लॉगिंग कैमरा है, जो सोनी का है, वो मेरे पास है. बेस्ट है, देख लो. दिस इज सोनी कैमरा, बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है ये. इसका ये जो फ्लिप है वो नीचे भी जाती है, गुड. और शूट करना भी बहुत इजी है. अभी मैं ये कैमरा में हूँ, मतलब ये सोनी का कैमरा है, अच्छा कैमरा है, मुझे तो पसंद आया. स्पीकर भी अच्छा है और इसका जो गोरिल्ला ट्राइपॉड है ये बड़ा प्यारा है और परफेक्ट माउंट भी हो गया इजीली. और मेरे पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग का फ़ोन और ये सोनी का जो अभी नया कैमरा है उसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूँगा. ये वीडियो तो मैं सोचता हूँ ये गुजरात ट्रिप का बना देता हूँ ये वीडियो. सोनी का जो डिटेल वीडियो अलग से मैं बना दूँगा, कुछ व्लॉगिंग कैमरा है उस हिसाब से मेरे को तो थोड़ा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा. सोनी का वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, ठीक है. गुजरात ट्रिप स्टार्ट. दिस इज न्यू कैमरा, इट वॉज सैमसंग फोन. सो फाउंटेन में पहुंच गए. फाउंटेन यहाँ से ड्राइव मैं करूँगा, यहाँ तक डैड ने ड्राइव किया था, इससे आगे मैं ड्राइव करूँगा. सो रीच समवेयर इन वापी टी टाइम. इट्स वेरी हॉट हियर इन गुजरात समवेयर इन वापी आफ्टर टोलनाका एंड आई एम हियर फॉर द टी टाइम एंड हियर ऑलमोस्ट 32 डिग्री सेल्सियस. सो सी यू आफ्टर सम टाइम आफ्टर द टी ब्रेक. बाय. सो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं नवसारी. नवसारी आपको तो पता ही है कहाँ आया. नवसारी नहीं पता तो वो आया गुजरात में. क्या बताएं हम लोग कुछ बारे पर समझ लीजिए. अगर आपको ऐसा समझना है क्यों सड़क पे हम पे हाथ क्यों रख रहे हैं वो आपको पता तो दिल टू वॉट एवर. और मेरी बहन बोले थोड़े स्टाइल से और इतना हंस के थोड़ा करो, तो मैं स्टाइल से हंस के कर रहा हूँ. मेरे व्यूअर्स को अच्छा आना चाहिए. क्या कुछ बोल नहीं शा? आप गुजरात जा रहे हो तो आप कुछ कहना चाहते हो? आप गुजरात जा रहे हो तो आप बड़े शर्मीले हो. कोई नहीं, गाड़ी में हमारे स्पेस कम है, हमारी बैंड थोड़ी लगी हुई है मोबाइल में. मैंने ड्राइव कर लिया ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर.
किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर लिया है, एक मिनट में 125 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर लिया है। और हमारी वाइफ कुछ बोलना चाहती है, वापस से पूछ रहा हूँ। बड़ी शाही है वो शर्मा की। सो अभी हम लोग यहाँ पे एक टी ब्रेक किए थे, फास्ट फूड होटल राज होटल, हम लोग ने टी ब्रेक किए थे। अभी हम लोग निकल रहे हैं दरगाह के लिए। कई दरगाह आप में? किम कोठवा बावन सूरत, बावन गज की कोई दरगाह है जो बहुत अच्छी कोई? अच्छी हाँ, बावन गज की अच्छी दरगाह है, बहुत मस्त दरगाह है। वहाँ पे जाएंगे हैविंग सोसियोस, जो ये सिर्फ यहाँ गुजरात में मिलती है, वहाँ नहीं मिलती। सो सीओ हम लोग बावन गज की दरगाह जा रहे हैं, फिर उसके बाद जाके हम लोग फिर नवसारी आएंगे। मतलब हम लोग की ट्रिप पूरी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। कहाँ पहुँचे अपन? रिच किम, किम कोटवा, नियर सूरत। सूरत में? सूरत से भी 60 किलोमीटर दूर है, दूर उधर से रस्ता बंद है। माजे टाइम से पास है। लंच एट 5:23। वो एक मेरा एक कजिन सिस्टर है, उसका सन था, उसका बेटा था, बड़ा प्यारा है, बड़ा क्यूट है। उसका नाम है अमान, इज अ गुड बॉय। सो वी एंजॉय टू मच। आज मैं फुल टायर्ड हूँ, सी यू टुमारो। हम अभी भी गुजरात में नवसारी में, मेरी हालत बहुत खराब। See you later. Bye. दो दिन में 900 किलोमीटर्स ड्राइव किया चलाया, और उसके बाद हम लोग ने पटाया दो दिन में 900। उसके बाद हम लोग रिश्तेदारी सब मिले विले सब खत्म करके 2 डेज में फिनिश किया। काफ़ी ब्रेक्स हुए, टी ब्रेक्स, लंच ब्रेक, एवरी ब्रेक्स मैंने तो अपना वीडियो में बताया था। सो एंजॉय किया हम लोगों ने। नवसारी गुजरात। नेक्स्ट डे हम लोग बारडोली गए थे। बारडोली में पूरी मतलब बारडोली से आके शाम हो गई थी। हम लोग सूरत जाना था पर मेरी फुफी बीमार हो गई, मेरे बहन के उधर सूरत नहीं जा पाए हम लोग। फिर उसके बाद फिर मेरे पापा की बहन मतलब मेरी फुफी सो कॉल्ड जिसकी वजह से खास गया था, वही बीमार हो गई। उसके बाद हम लोग फुल नाइट ड्राइविंग किए, ऑलमोस्ट रात को 3:30 बजे निकले, 3 बजे निकले एयरपोर्ट के लिए मेरी फुफी को छोड़ने के लिए। फिर फुल नाइट हम लोग ना वीडियो किया, ना लॉगिंग किया, ना कुछ नहीं, रात भर कुछ किया नहीं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग छोड़े, और एयरपोर्ट के छोड़ने के बाद हम लोग उनको एयरपोर्ट पे लीव किया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए एयरपोर्ट से, और फिर वापस आ गए हम लोग हमारे टाउन। गुजरात की ये जर्नी आपको पसंद आई तो फिर
आप लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जियो, हंसो, गाओ, मुस्कुराओ यार। सी यू नेक्स्ट वीडियो।